हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे एक अगला टाइप्स ऑफ एग का रिमेनिंग जो पार्ट है, जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन के आधार पर हम अंडों को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आप लोग यहां पर बताएंगे डिटर माइलेट एग, जिनको आप लोग कहते हैं निर्धारी अंडे, या जिनको आप लोग मॉजिक एग भी कहते हैं। एक कहलाएगा आपका इन डिटर माइलेट एग, जिसको आप ए निर्धारी अंडे भी कहते हैं, या जिनको रेग्यूलेटिव एग या नियमनकारी अंडे भी कहते हैं। देखिए डिटरमाइनेट एग की बात करें, डिटरमाइनेट एग और एक हमने बताया इनडिटरमाइनेट एग। देखिए यहां पर अगर हम लोग इनके बारे में डिस्कस करें तो ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित होता है, यानी कि ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित होता है, तो ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित होता है, ऐसे अंडों को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमाइनेट एग कहेंगे। यानी कि ब्लास्टोमियर्स का भविष्य इनमें क्या होता है, पहले से निर्धारित होता है, तो ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित है वो क्या कहलाएंगे, डिटरमाइनेट एग कहलाएंगे। अगर यदि किसी ब्लास्टोमियर्स को हटा दे तो भविष्य में उस ब्लास्टोमियर्स से बनने वाले अंग का निर्माण नहीं होगा। यदि यहां पर हम किसी निर्धारी अंडे में से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई अंडा है और इस अंडे में ये ब्लास्टोमियर्स है, इस अंडे में से ये क्या है, ये ब्लास्टोमियर्स है। अगर सपोज कीजिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए अर्थवर्म का एग्जांपल ले लेता हूं, अर्थवर्म में ये ब्लास्टोमियर्स जो है, मैंने किसका एग्जांपल लिया, अर्थवर्म का, केचुए का, ये ब्लास्टोमियर अर्थवर्म की क्या बनाता है, सीटी बनाता है। मान लीजिए ये अर्थवर्म का, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि ये अर्थवर्म का नेफ्रिडिया बनाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये उसकी नर्व रिंग बनाता है, ये ब्लास्टोमियर। सपोज कीजिए अगर हम यहां पर सीटी बनाने वाले ब्लास्टोमियर्स को हटा दें तो अर्थवर्म के अंदर सीटी का निर्माण नहीं होगा, यानी कि ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है
यदि किसी ब्लास्टोमियर्स को हटा दिया जाए तो भविष्य में उस ब्लास्टोमियर से बनने वाले अंग का निर्माण नहीं होगा, अर्थात उस अंग की कमी उस एनिमल में देखने को मिलेगी। तो ऐसे अंडे क्या कहलाएंगे? डिटरमाइनेट एग, या इन्हीं को क्या बोलेंगे? मोजेक एग या मोजेक अंडे भी कहते हैं। और मोजेक अंडे जो है वो किसमें देखने को मिलते हैं? इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है किसमें देखने को मिलेंगे? प्रोटो स्टॉम्स में। किसमें देखने को मिलते हैं? प्रोटो स्टॉम्स में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलेंगे? प्रोटो स्टॉम्स में देखने को मिलते हैं। और प्रोटो स्टॉम्स का एग्जाम्पल आप लोग क्या बता सकते हैं? फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज। किसमें देखने को मिलेगा? प्लेटिहेलमिंथीज में। किसमें देखने को मिलेगा? एस्केहेलमिंथीज में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? एनीलिडा में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? मोलस्का में भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी प्रोटोस्टॉम्स हैं उनके अंदर डिटरमाइनेट एग देखने को मिलता है। और ऐसे अंडे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये अंडा है और मैं बात करूं यहां पर इस अंडे के अंदर, ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये इस अंडे में क्या है? ये ब्लास्टोमियर्स है। मान लीजिए ये क्या नाम है, आप किसी भी एनिमल का या जैसे मान लीजिए फ्रॉग का अंडा है, सपोज कीजिए ये फ्रॉग्स एग है, मेंढक का अंडा है। मेंढक के अंडे में ये मेंढक का क्या बनाता है? मान लीजिए मेंढक ये किडनी बनाएंगे इसका, ठीक है। सपोज कीजिए इसका एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है, मान लीजिए ये इसका लंग्स बनाता है, ठीक है ना। मान लीजिए अलग अलग कुछ भी मान लीजिए, आप मान रहे ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये लीवर बनाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यदि सपोज कीजिए किडनी बनाने वाले ब्लास्टोमियर को हटा दें तो क्या होगा? पास वाला जो ब्लास्टोमियर है वो क्या करेगा? किडनी का निर्माण कर देगा। यदि अनिर्धारित अंडे में से किसी ब्लास्टोमियर को हटा दें तो इस एनिमल के, जब एनिमल का निर्माण होगा तो उस ब्लास्टोमियर से बनने वाले संबंधित अंग का निर्माण किसी अन्य ब्लास्टोमियर्स के द्वारा कर दिया जाता है। तो ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता क्या कहेंगे? निर्धारित अंडे कहलाते हैं। यदि किसी ब्लास्टोमियर्स को हटा दे तो उस ब्लास्टोमियर से बनने वाले अंग का निर्माण किसी अन्य ब्लास्टोमियर्स के द्वारा कर दिया जाता है। और इसका एग्जांपल हम लोग देंगे यहां पर ड्यूटेरोस्टॉम्स। क्या देंगे जी? ड्यूटेरोस्टॉम्स। यहां पर हम लोग इनका एग्जांपल दे सकते हैं ड्यूटेरोस्टॉम्स। और ड्यूटेरोस्टॉम्स में क्या था आपका? फाइलम इकाइनोडर्मेटा आता है। इसके अलावा ड्यूटेरोस्टॉम्स में क्या आएगा? फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कोर्डेटा। तो देखिए फाइलम कोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा दोनों ड्यूटेरोस्टॉम्स हैं और दोनों के अंदर अनिर्धारित अंडे देखने को मिलते हैं। तो मित्रों ये आप लोगों का जो एक पूरा टॉपिक जो है अंडों के प्रकार कि अंडों की, ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।